हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अप टू डेट पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, बैंक ऑफ इंडिया की यहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुका है। बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर भर्ती निकाली गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, 7 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक यहाँ पर आपके आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। BOI रिक्रूटमेंट 2021 बैंक ऑफ इंडिया, अंतिम तिथि 21 दिसंबर 2020। भारत के सभी राज्य से इसमें आवेदन कर सकते हैं। डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, कोई एग्ज़ाम आपका नहीं होगा। 18 से 40 वर्ष वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं। 21,000 यहाँ पर सैलरी रहेगी। पुरुष और महिलाएं इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया यहाँ पर आपकी जॉब है, किसी भी राज्य से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। यदि आप एक बैंक में नौकरी करना चाहते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी बड़ा मौका है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग डेट की अगर बात करें तो 9 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक इसके आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। तो यदि आप एक बैंक में नौकरी करना चाहते हैं तो 9 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर के बीच में आप इसके आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। चलिए आगे की डिटेल्स देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। आपको डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन भी हो सकता है। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए यहाँ पर आपकी बैचलर डिग्री अनिवार्य है। क्वालिफिकेशन के बारे में हम वीडियो के आगे नोटिफिकेशन में डिस्कस करेंगे। फायर ऑफिसर की क्वालिफिकेशन के बारे में अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपके BE मतलब फायर इंजीनियरिंग, या फिर BTech इन सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग, या फिर BTech इन फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग, या फिर BSc यहाँ पर आपके मांगे गई है। एप्लीकेशन फॉर्म फीस की अगर बात करें तो जनरल और OBC कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पर आपका 850 का फॉर्म भरा जाएगा, और SC ST कैंडिडेट्स वालों की अगर बात करें तो यहाँ पर आपके 175 रुपीज़ यानी 175 रुपये के आपका यहाँ पर फॉर्म भरा जाएगा। पेमेंट मोड यहाँ पर आपका ऑनलाइन रहेगा। तो चलिए नोटिफिकेशन की तरफ चल के पूरी डिटेल्स में जानकारी ले लेते हैं। तो ये हम नोटिफिकेशन की तरफ आ चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, BOI यानी बैंक ऑफ इंडिया की यहाँ पर भर्ती निकाली गई है। 7 दिसंबर 2020 से इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं। 21 दिसंबर 2020 तक इसके आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। रेलेवेंट डेट फॉर एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पर आपके 1 नवंबर 2020 के संदर्भ में ये सारी डिटेल्स दी हुई है। नेमो पोस्ट और वैकेंसीज़ की बात करें तो सिक्योरिटी ऑफिसर और फायर ऑफिसर के यहाँ पर अलग अलग सीटें के बारे में आपको जानकारी दी हुई है, और अलग अलग इनकी एज लिमिट भी यहाँ पर रहेगी। सिक्योरिटी ऑफिसर की बात करें तो यहाँ पर आपके 25 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच में आपकी एज लिमिट रखी गई है, और फायर ऑफिसर की बात करें तो 25 वर्ष से लेकर आपके 35 वर्ष के बीच में आपकी यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है। एज एज ऑन 1 नवंबर 2020, तो 1 नवंबर 2020 के संदर्भ में। और सीटों की बात करें तो SC कैटेगरी वालों के लिए 2, और फायर ऑफिसर वालों के लिए भी यहाँ पर 2 सीटें आपकी दी हुई है। ST कैटेगरी वालों की 1, और फायर ऑफिसर वालों की भी यहाँ पर आपके 1। OBC वालों के 8, और फायर ऑफिसर वालों के भी 8। EWS के 1, और फायर ऑफिसर की भी 1। जनरल वालों के 8, और फायर ऑफिसर के 1। टोटल सिक्योरिटी ऑफिसर के यहाँ पर आपके 20 सीटें दी हुई है, और फायर ऑफिसर के यहाँ पर आपके सिर्फ और सिर्फ 1 सीट है। तो टोटल मिला के आपके यहाँ पे 25 वैकेंसी खाली है। तो ये तो रही कुछ वैकेंसीज़ की डिटेल्स। अब आगे की डिटेल्स देख लेते हैं। तो सैलरी की अगर बात करें तो यहाँ पर आपके 21,705 से लेकर और ये 1,145 आपका यहाँ पर ग्रेड पे रहेगा। तो ऐसे पोस्ट के हिसाब से आपको यहाँ पर सैलरी दी हुई है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एज लिमिट के हिसाब से यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी रखी गई है। नेशनलिटी आपके यहाँ पर इंडियन होना अनिवार्य है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यदि क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिक्योरिटी ऑफिसर की पहले यहाँ पर बात करें तो एज लिमिट जैसा कि बताया 25 से लेकर 40 वर्ष के बीच में आपके यहाँ पर रखी गई है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, अ सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर कोर्स फॉर मिनिमम 3 मंथ्स, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रिलेटेड पेपर एज ऑन द सब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपकी ग्रेजुएशन मांगी गई है। सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर कोर्स यहाँ पर आपका अनिवार्य है, मिनिमम 3 मंथ्स का कोर्स। एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पर आपका आर्मी, नेवी या एयरफोर्स के इसमें आपका 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, या फिर
पुलिस ऑफिसर में भी आपका यहाँ पर 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, बट ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्यूटी सुपरिंटेंडेंट। तो यहाँ पर आपकी, यदि आपकी रैंक डिप्यूटी सुपरिंटेंडेंट से कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। या फिर कैंडिडेट शुड बी द रैंक ऑफ इक्विवेलेंट टू असिस्टेंट कमांडेंट विद मिनिमम 5 ईयर्स सर्विस इन पैरामिलिट्री फोर्सेस। तो यहाँ पर आपके एक्सपीरियंस यहाँ पर मिनिमम 5 वर्ष का मांगा गया है। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका यहाँ पर यही रहेगा, या फिर 2 स्टेप में आपका सिलेक्शन प्रोसेस दे रखा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, पर्सनल और ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन। तो वैसे ही यदि ग्रुप डिस्कशन नहीं होता है तो उसके बारे में अगर देख लिया जाए, तो यहाँ पर आपको इंटरव्यू केवल और केवल आपका पर्सनल इंटरव्यू करवाया जाएगा। मैक्सिमम 100 मार्क्स का यहाँ पर होगा, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको 50% यहाँ पर आपके लाने पड़ेंगे जनरल और EWS कैटेगरी वालों के लिए, और 45% मिनिमम आप पर SC, ST और OBC कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पर रखे गए हैं। और अदर ग्रुप डिस्कशन यहाँ पर होता है इंटरव्यू के साथ, तो इंटरव्यू तो आपको होगा ही, और साथ ही साथ ग्रुप डिस्कशन भी होगा। तो मैक्सिमम ग्रुप डिस्कशन के यहाँ पर आपके 30 नंबर रखे गए हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो 40% जनरल और EWS कैटेगरी वालों के लिए और 35% SC, ST और OBC वालों के लिए। तो ये यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में हमने बात करी। और फायर ऑफिसर की बात करें तो यहाँ पर इनके एज लिमिट 25 से 35 वर्ष, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया, BE फायर इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, और BE फॉर फायर इंजीनियरिंग, BTech सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग, या फिर BTech इन फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग। और साथ ही साथ अगर आपने BSc भी कर रखी है तो यहाँ पर आप BSc के साथ भी यहाँ पर एलिजिबल रह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 7 साल का एक्सपीरियंस आपके यहाँ पर मांगा गया है इन नेशनल फायर सर्विस कॉलेज। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। हायर सेकेंडरी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज इंस्टीट्यूट एंड हैव पास्ड सब फायर ऑफिसर फ्रॉम नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर विद मिनिमम 10 ईयर एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर आपके एक्सपीरियंस भी यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पर रही है। सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पर आपके सेम रहेगा दोनों पोस्ट के लिए। और साथ ही साथ अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पर आपके दिया हुआ है SC ST कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पर 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, और OBC वालों के लिए यहाँ पर 3 वर्ष का दिया हुआ है। X-Men के लिए भी यहाँ पर 5 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। तो ये सारी बातें मैंने आपको आज डिस्कस करी। और यदि आप नोटिफिकेशन के लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट्स के फॉर्म भी दे रखे हैं, जैसा कि मैं आपको बताऊं। और हाँ, एप्लीकेशन फॉर्म फीस की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जनरल कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पर 850 का फॉर्म रहेगा, और SC ST कैटेगरी वालों के लिए 175 का फॉर्म रहेगा, और पेमेंट मोड यहाँ पर आपका ऑनलाइन रहेगा। तो जैसे कि आप नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको फॉर्म दिखेंगे, तो ये फॉर्म आपको भर के स्कैन करके और ऑनलाइन आपको अपलोड करने होंगे। तो ये सारे फॉर्म आपको यहाँ दे रखे हैं। तो चलिए दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली हो। थैंक यू।